हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम सड्डा में। दोस्तों, आज दिन ही कुछ ऐसा है, ढेर सारी नोटिसेज आ रही हैं आरआरबी की तरफ से। उसी क्रम में एक नई नोटिस आई है आरआरबी ग्रुप डी के अहमदाबाद रीजन से, वेस्टर्न रेलवे। जैसा कि आपको पता है, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस है अहमदाबाद में, वहाँ से एक नोटिस आई है। और उस नोटिस में कहा गया है, फाइनल रिजल्ट से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं, आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो इसी को बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको ये ढेर सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सबमिट करने हैं और किस वेबसाइट पर जाकर के आपको करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देख लीजिए, वेबसाइट है ऑफिशियल और यहीं पे एक लिंक दिया हुआ है, नया लिंक आया है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2018 फॉर लेवल 1 पोस्ट। उसमें ये नोटिस आई है, नई वाली नोटिस, इस पर आपको करना है क्लिक। और जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म ओपन होगा, हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो हम दिखा देते हैं खोल करके क्या क्या करना है, क्या कर क्या आपको ले जाना है। दोस्तों ये देखिए, खोल गया, दो पेज का नोटिस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या करना है। तो देखिए, अब मैं समझाता हूँ ये नोटिस है क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड और प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन कैंडिडेट्स ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या तो जमा नहीं किया था या तो दिखाया नहीं था, किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाए थे, आर हेयर बाई गिवेन अ लास्ट चांस। उनको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के द्वारा टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। आपको स्कैन कॉपी जमा करना है ओरिजिनल का, अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ द डीवी लेटर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कॉल लेटर के साथ में आपको जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स थे उनको इसके साथ में जमा करना है आरआरसी ऑफिस ग्रांट रोड मुंबई, मतलब मुंबई में आपको जाकर के इनको जमा करना है, आइदर इन पर्सन, चाहे आप पर्सनली जाकर के जमा करें, और बाई पोस्ट, चाहे बाई पोस्ट से भेजें, और बाई रजिस्टर्ड ईमेल, जो रजिस्टर आपने ईमेल रजिस्टर करवाया हो, फॉर्म में भरा हो, सिर्फ और सिर्फ उसी से भेजिएगा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वो ईमेल आईडी नहीं है, तो आपको या तो पर्सनली जाकर के जमा करना है या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है, लेकिन ये भेजना है ऑन और बिफोर 31 मई 2019, 31 मई 2019 से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंच जाएं। फिर लिखा हुआ है फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थन को वो लोग निरस्त मान लेंगे और आपका रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा। ये सूचना हमने पहले भी आपको दी थी अहमदाबाद जोन से संबंधित, या हर जोन में हमने बताया था कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा करने होंगे। इसी क्रम में कल चंडीगढ़ रीजन का लिस्ट आया था कि आप ला करके जमा कर दो। एब्सेंटी कैंडिडेट को भी उन्होंने कहा था कि आप आकर के फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लो। देखिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लगेंगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या बीपीएल कार्ड, जो भी आपने, हमने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में आपको सूचना दी है कि अगर आपने ईबीसी भरा हुआ है, ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी, अगर आपने इस जोन मतलब जब फॉर्म भरते टाइम इसको टिक कर दिया हो, चाहे गलती से ही टिक किया हुआ हो, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, जो एनेक्सा थर्ड है इनका, इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि इन्होंने 10 फरवरी 2018 को जारी किया था, तो वहां पे अगर आपने किसी ने भी ईबीसी कैटेगरी को इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट को सिलेक्ट किया हो तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कितने का बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, ये 48,000 से कम का बनवाना है आपको पर एनम, मतलब एक साल में आपके परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको बनवा करके जमा करना है। और इसको अगर आपने टिक किया होगा तो आपको फीस भी कम देना पड़ा होगा, इसलिए आपको ये बनवा करके जमा करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलती से भी इसको टिक किया था और अगर वो नहीं जमा करेंगे तो कैंडिडेचर उनका निरस्त हो जाएगा, भले ही वो कितना नंबर पाए हों। तो ये तो थी भाई उसकी बात, ओबीसी कैटेगरी की बात हम बात कर रहे हैं, किस कितनी वीडियो में हमने बताया आप लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट को
कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का दो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एक तो जो पुराना है वो तो है ही, और ये नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट का मतलब नया ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। देखिए नॉन क्रीमी लेयर वालों को भी आरक्षण मिल रहा है, और इसका आप कहाँ पे मिलेगा, अनेक्सर टू दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना वीडियो हमारा है और इसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही है कि कौन कौन से फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट ले जाने हैं, उसमें मैंने इस पर एक कम्प्लीट वीडियो बना रखा है, उसको जा करके देख लीजिए। और वो कैंडिडेट में लेटेस्ट बनवा करके ले जाना है, मतलब एक साल से पुराना अगर होगा तो वो चलने वाला नहीं है, ये जा करके आपको सबमिट करना है। SC ST कैंडिडेट को लिखा है कि जो भी अनेक्सर फर्स्ट में दिया हुआ था SC ST कैंडिडेट को, उसमें अपना सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करना है। अगर नहीं दे पाए तो आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा। अनेक्सर वन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था अनेक्सर वन में SC और ST कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जाकर के उस वीडियो में देख लीजिएगा या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे, हमारे वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, पुराने वाले वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। जो लोग माइनॉरिटी कैटेगरी से जैसे सिख हैं, जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ईसाई हैं, इन सब लोगों को भी अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी देना है, जिसके अनेक्सर के बारे में हमने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो ये आपको हर हाल में वहाँ पे भेजना है। देखिए फिर उसके बाद में लिखा हुआ है एनी अदर पेंडिंग डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया लेकिन आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, या उन्होंने अलाउ कर दिया था उसके बिना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, तो चालाकी मत करिएगा कि मेरा DV हो गया, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हर हाल में वहां पे भेज दीजिए, नहीं तो जान लीजिए लास्ट में वो आपको बाहर करेंगे दोस्तों, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये डॉक्यूमेंट सबका लग रहा था हमारा गलत था, हमको बाहर कर दिया गया, बाहर नहीं किया गया, हम इन हो गए और वो लोग ध्यान नहीं दे पाए, तो ये हमेशा संभव होता है। जब भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ सब लोग कोई सूक्ष्मदर्शी लगा के नहीं बैठे हैं कि हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ पाएंगे, तो हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया हो, मेडिकल टेस्ट हो गया हो, आपको उसमें प्रॉब्लम ना आई हो, लेकिन आपको अपनी कमी पता हो कि हाँ ये फॉल्ट हमारे उसमें था। तो देखिए अभी नौकरी मिलनी है, ये गलती मत करिए, उसको बनवा करके लास्ट चांस मिल रहा है, और इस पते पर आप भेज दीजिए। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको अलाउ कर दिया गया था, हमने पिछले वीडियो में जब बताया था आपको कि ऐसे कैंडिडेट्स को अलाउ किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो क्या हुआ था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं थे उस टाइम पे, खास करके जैसे कुछ एक्स सर्विस मैन वाले थे उनके पास नहीं था, कुछ कैंडिडेट्स के पास में नया वाला फॉर्मेट में वो नहीं था, न्यू सर्टिफिकेट नहीं था ओबीसी का, ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को अलाउ कर दिया गया। और अलाउ करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट अब ये मान करके बैठ गया मेरा तो DV हो गया, अब क्या होगा। तो अगर कोई पेंडिंग था या उनकी निगाह में नहीं आया और गलती से उन्होंने पास कर दिया आपको, उसमें अलाउ कर दिया, तो अभी भैया एक चांस आपको मिल रहा है। ये नोटिस जारी हुई है 21/5/2019 को, आज RRC वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे आ गई है, जा करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, समझ में आए तो इसको भेज दीजिए। बहरहाल तीन तरीके हैं भेजने के, या तो पर्सनली चले जाइए अगर आप यहाँ रहते हो मुंबई में, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। पोस्ट से भेजने को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम कम बचा है, 9 दिन का टाइम है, अगर कहीं बीच में रुक गया आप, दूर रह रहे हैं तो नहीं पहुँच पाएगा, तो एक काम करिए जिस ईमेल आईडी को आपने डाला था फॉर्म में उसी ईमेल आईडी से उस पे rrcwrdocs@gmail.com इस पे भेज दीजिए और सेंट का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके पास में और कोई चांस आपको मिलने वाला नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, हमको बता सकते हो। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सभी कमेंट्स को, और अगर कहीं कोई जवाब मैं नहीं दे पाता हूं आपके कमेंट्स का, तो ये मान लीजिए कि उसका जवाब मेरे पास उस टाइम पे नहीं होता है। जैसे ही मुझे रिप्लाई मिलता है, जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपके रिप्लाई जरूर देता हूं, तो ये इसको गंभीरता से लीजिएगा। और इसी टाइम पे एक बात और कर लेते हैं, जो हमको मतलब अनऑफिशियल न्यूज़ मिली है, इसका फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, आप जानते हो
सेकेंड लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। ये सेकेंड लिस्ट उम्मीद यही है कि 10 दिन के अंदर आ जाएगी। तो जो भी इसका वेट कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट में, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, उनका टाइम अब खत्म होने वाला है, जल्दी से उनको मिल जाएगा। आरआरबी बेंगलोर ने आज अपना फाइनल रिजल्ट दे दिया, उन्होंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेज दिया और रिजल्ट डाउनलोड भी नहीं किया, मतलब रिजल्ट अपलोड नहीं किया, डिक्लेयर ना किया और डायरेक्ट उन्होंने कॉल लेटर भेज दिया। तो ऐसा भी कुछ चौंकाने वाला परिणाम आपको मिल सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको।